हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले RGPB डिप्लोमा के फिजिक्स 2 के यूनिट नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बेटा देखो, इससे पहले मैंने क्या किया था, आप एकदम पहले क्लियर हो जाओ कि अभी जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये RGPB डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इनको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है फिजिक्स 2। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो फिजिक्स 2 इनका सब्जेक्ट है, इनके यूनिट बाय यूनिट इनको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चा मुझसे कोचिंग ले रहा है वो भी उस क्वेश्चन को तैयार कर ले, और जो मुझसे कोचिंग नहीं भी ले रहा है बेटा वो भी उन क्वेश्चंस को क्या करे, तैयार कर ले। क्वेश्चन जितना भी घुमाकर पूछेगा ना, आंसर्स उसी के अंदर से ही रहेंगे, है ना? ऐसा नहीं होगा कुछ बाहर से आने वाला है बेटा। तो जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वो आपको कर लेना है। इससे पहले मैंने यूनिट 2 जो आपका ऑप्टिक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसके बाद मैंने यूनिट नंबर 4 का जो कि इलेक्ट्रिसिटी था बेटा, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है? और आज हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो चैप्टर क्या है बेटा हमारा, चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है? चलिए बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना? क्योंकि देखो, अगर क्वेश्चंस बच्चों को मिल जाते हैं ना, अगर कोई बता दे कि बेटा ये पढ़ लो, मुझे पता है मेरे बच्चे पढ़ लेंगे, तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे ये आप पढ़ लो, इसका आप नोट्स बना लो, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन जितना भी घुमाकर पूछे आंसर्स यही रहेगा, ठीक है? चलिए, चलो बेटा, सबसे पहला सवाल देखो, कंडक्टर क्या होता है इसके डेफिनेशन को याद कर लेना, इंसुलेटर क्या होता है इसके डेफिनेशन को याद करना है, सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर के डेफिनेशन को याद कर लेना आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके डेफिनेशन को याद कर लेना, और डिप्लीशन लेयर, ये छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, इनको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको कर लेना है बेटा। उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये आपको करना है बेटा। उसके अलावा आपको डिफरेंस पता करना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक? चलो, उसके बाद पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन में भी दो चीजें हैं, एक आपका फॉरवर्ड बायसिंग है, दूसरा आपका रिवर्स बायसिंग, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद रेक्टिफायर आपको पढ़ना है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। देखो एक बात आप समझना, हो सकता है आप एग्जाम में जाओ और आपको बोल दें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपको क्या करना है बेटा, ये वाले आंसर को लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने फिगर भी बताया है ना। और हमेशा ध्यान देना कि अगर किसी आंसर में फिगर है तो फिगर आपको बहुत अच्छे से करना है, भले आप थ्योरी छोड़ दो, आप फिगर बनाकर उसी को एक्सप्लेन कर दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि फिजिक्स 2 बिना फिगर के पास हो जाओगे, नहीं, एकदम मतलब इस बात को ना आप एकदम ध्यान में बैठा लो कि जो डायग्राम अच्छे से बनाएगा उससे कोई फेल नहीं कर सकता। अगर आपका बैक लगा भी है फिजिक्स 1 में, तो अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा बेटा, इसके पीछे भी एक रीजन होता है बैक लगने का, कि भैया आपने डायग्राम नहीं बनाया, इसलिए आपको डायग्राम पे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, फोकस करना है, ठीक है? चलो, उसके बाद ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, लगभग जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं सभी में आपको फिगर्स मिलेंगे बेटा। तो फिगर्स को आपको प्रैक्टिस करना है, अपने लैंग्वेज में आप चीजों को याद कीजिएगा, है ना? देखो, मैंने कोर्स में तो समझा दिया बेटा, अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे इनको तो मिल जाएगा, तो बस आप पढ़ लेना, ठीक है? चलो, उसके बाद क्या है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, सोलर सेल क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, ये 17 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने, छोटे छोटे क्वेश्चंस समझ के करोगे तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन मैं कर लेता हूं। अभी मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 का क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर, तो जो बच्चा इच्छुक है वो क्लास ज्वाइन कर सकता है, फीस आपका 500 रहेगा। फिजिक्स 1 का क्लास भी चल रहा है, फिजिक्स 2 का क्लास भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है बेटा ऐप का। तो आपको यहाँ पर ये चार सब्जेक्ट, इसके अलावा मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है बेटा वो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा। तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ डेमो का, साथ ही साथ अपने ऐप का लिंक भी दे दे रहा हूँ, तो अगर आपको इनका पूरा कोर्स चाहिए तो आप मेरे ऐप में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? चले, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।